नमस्ते दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका ऋषि भारत चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट धर्म दुबे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको ट्रेंडिंग स्टार सुपरस्टार खेसारी लाल यादव सर, बिकॉज बहुत ही प्यारा बहुत ही शानदार गाना आपने भोजपुरी सिनेमा और हिंदी श्रोताओं को दिया है। कुछ तो है बाकी तेरे मेरे दरमियान, क्या बात है, बड़ा मजा आ गया। और यही वजह है कि ये गाना लगातार उपलब्धियों पे उपलब्धियां भी हासिल कर रहा है। भोजपुरी के कई कलाकार इस गाने पर खुद को शुमार कर रहे हैं। भोजपुरी की बेहतरीन अदाकारा हैं आम्रपाली दूबे। क्या बात है। जी हाँ, आपको बताएं कि आम्रपाली दूबे ने जो है इस गाने को अपने इंस्टाग्राम पेज पर शेयर किया है। अपनी फीलिंग्स इस गाने के जरिए खुद भी फील कर रही हैं, और ऐसा हो भी क्यों ना, बहुत ही प्यारा सॉन्ग, हिंदी सॉन्ग सुपरस्टार मिस्टर खेसारी लाल यादव साहब का, जो लगातार उपलब्धियां पे उपलब्धियां हासिल करता जा रहा है। मैं यूट्यूब पर जाकर के जब देखता हूँ तो मुझे पता चल रहा है यहाँ पर कि कितने व्यूज अब तक इस गाने को मिल चुके हैं। दोस्तों आपको बताएं कि स्पीड रिकॉर्ड्स चैनल से रिलीज किया हुआ ये गाना अब तक 83 लाख से ज्यादा व्यूज पा चुका है, और मैं देख पा रहा हूं कि 4.5 लाख से ज्यादा लाइक मिले हैं, जबकि 4.5 लाख से ज्यादा कमेंट्स अब तक मिल चुके हैं। यहां तक कि ये गाना तीसरे नंबर पर ट्रेंडिंग में भी चल रहा है, और आज भोजपुरी समाज का गौरव लगातार बढ़ा रहा है। इनकी टीम के बारे में अगर मैं जाते जाते थोड़ा सा आपको बताते चलूं, तो बताया कि सॉन्ग का नाम तेरे मेरे दरमियां है, खेसारी लाल यादव जी सिंगर हैं, विनय विनायक का म्यूजिक है, अनुपम पांडे ने लिखा है, और कनिष्का नेगी सपोर्टिंग व्हीकल्स में यहां देखी जा रही, मिक्स और मास्टर बीनू जी ने किया है, स्टारिंग नेहा मलिक के साथ है। बॉलीवुड की हिंदी इंडस्ट्री की बहुत ही शानदार अभिनेत्री, बहुत ही टैलेंटेड अभिनेत्री ने खेसारी लाल यादव जी के साथ इस गाने में उनका साथ दिया है। दोस्तों बताएं कि एक अलग ही लेवल पर इस समय खेसारी लाल यादव जी इंडस्ट्री को ले जाते हुए हिंदी सॉन्ग उनका ये रिलीज हुआ, और कुछ वीडियोस भी वायरल हुए थे जिनमें खुद भी वो इस गाने को एक बड़े स्क्रीन पर अपने लोगों के साथ देखते नजर आए थे। बहुत ज्यादा खुशी का माहौल इस समय, बिकॉज ट्रेंडिंग में चल रहे हैं मिस्टर खेसारी लाल यादव जी तेरे मेरे दरमियां सॉन्ग को लेकर। और कुछ कहना चाह रहे हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज लिखें। बने रहे हमारे साथ, नमस्ते।